हेलो एवरीवन, DSSSB ने फार्मासिस्ट और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों ही वैकेंसी के बारे में। ये आप देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है और एक और पोजीशन है जहाँ पर फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी मिलेगी दिल्ली में और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। यदि उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी फार्मा रिलेटेड आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट नोट, द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड समरली रिजेक्टेड, नो करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डेट के बारे में हम मेंशन है, ओपनिंग डेट सबमिशन की है 21/11/2023, मतलब ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट है 20/12/2023। तो लगभग एक महीने का टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की है, ये एलोपैथिक की पोस्ट नहीं है। तो जो भी होम्योपैथिक के कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस नोटिफिकेशन को देखें और फॉर्म फिलअप करें। ये डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, एक ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 42 पोस्ट हैं। रिजर्वेशन वाइज देखें तो 16 पोस्ट अनरिजर्व की हैं, 12 पोस्ट OBC की हैं, SC की 3 पोस्ट हैं, ST की 7 पोस्ट हैं, EWS की 4 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर 42 पोस्ट हैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, बट उससे पहले एक ओवरव्यू, एक और जो पोस्ट है जहाँ पर फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 5 रहने वाली है। रिजर्वेशन वाइज देखेंगे तो 3 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट आपकी OBC की है, SC ST की कोई पोस्ट नहीं है, EWS की 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर आपकी है पोस्ट 5 पोस्ट यहाँ पर हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फार्मासिस्ट की, ये रिजर्वेशन वाइज हमने बात कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट, सेकंड है डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम अ गवर्नमेंट बोर्ड, तो जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा नहीं गया है। 29,200 आपकी एंट्री बेसिक पे होगी, जब आप रिटायर होंगे तो 92,300 आपको मिलेगी। 2800 ग्रेड पे है, तो मैं आपको इसमें आपको और ये तो बेसिक हो गया, बेसिक के बाद आपको HRA मिलेगा, TA मिलेगा और DA मिलेगा। दिल्ली में बहुत अच्छी सैलरी बनती है, तो लगभग ये मान के चलिए आपकी इन हैंड 55,000 से 60,000 सैलरी आपकी बनेगी। एज है, एज लिमिट 18 से 27 ईयर की है, मतलब जनरल के कैंडिडेट 27 ईयर तक ही भर सकते हैं, जैसे जो OBC ST SC वाले हैं उनके लिए अदर से रिलैक्सेशन होता है एज में। OBC के लिए 3 साल का होता है, SC ST के लिए 5 साल और फिजिकली हैंडीकैप के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आप देख लें, आप यदि एलिजिबिलिटी में फिट बैठते हैं तो आप इसका फॉर्म भरिए और दिल्ली में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मैं ये कहूँगा। सेकंड पोस्ट जो है हमारी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो उसकी हम बेसिक एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एक जो फार्मेसी वालों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये, और वैकेंसी तो चलो 5 है बट सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। डायरेक्टली चलते हैं हम फार्मा, ये है पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ये निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री फार्मेसी बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है केमिकल एनालिसिस में। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद, या मैं कहूँगा PhD वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। डिग्री इन फार्मेसी बी करके है, डिग्री इन फार्मेसी साइंस केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर केमिकल एनालिसिस में। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले होंगे उनके लिए सिर्फ 1 साल का है, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं मतलब ग्रेजुएट हैं उनके लिए होगा 3 साल का एक्सपीरियंस। तो जो भी KOQC में वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका
पे स्केल की बात करें तो आपकी एंट्री होगी 35,400 और आपकी जब एग्जिट होंगे मतलब रिटायर होंगे तब 1,12,400 बेसिक पे मिलेगी। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। चले ठीक। ये मैंने ओपन करता हूँ मैं पोर्टल 7 पे कैलकुलेटर। जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे ये वाली साइट पे जाके आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपकी बेसिक होगी आपको जस्ट यहाँ पर बेसिक पुट करना है, उसके बाद ये आपको करके दे देगा कैलकुलेट कि कितनी आपकी सैलरी बनेगी। तो हम देखते हैं कि आखिर कितनी सैलरी बनने वाली है। दिल्ली में ग्रुप बी की पोस्ट है और 7 लेवल, ये 6 लेवल पे है, तो लेवल 6 पे कितनी सैलरी बनेगी। सेवन आई थिंक ये 7 पे कैलकुलेटर, ये थोड़ा सा ओपन होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, देखते हैं हम। पैंतीस हजार 400 बेसिक है तो एक्चुअली लेवल 6 का है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओपन हो गया है। आपको जस्ट आपका बेसिक मेंशन यहाँ पर लेवल मेंशन करना है और सिटी मेंशन करना है, जो भी आपकी सिटी होगी। जैसे 4200 ग्रेड पे हो गया प्लस 35400, आप यहाँ पे देख लीजिए 35400 ही है, 35400 प्लस HRA आपको दिल्ली के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में 27% HRA मिलता है जो कि हाईएस्ट है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वहाँ पर ये फिर से स्किप कर गया। एक मिनट मैं फिर से ओपन करता हूँ। हाँ, ये आपकी सैलरी बनेगी टोटल 66,498 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शन होगा, डिडक्शन होने के बाद आपको लगभग 60 के करीब, 60-61 के करीब आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।